पाकिस्तान इंडियन इलेक्शन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। यार सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, मजे में होंगे, और हम यही करते हैं कि ईद आपको लिए आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो गाइस, उससे पहले भाई आप इंट्रो दे दें। मेरा नाम हुदा से, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। मैं आपको वीडियो का टाइटल बताता हूं, वो है पीएम मोदी ब्रेक्स प्रोटोकॉल एंड टेक क्लास ऑफ डेनमार्क पीएम एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल इन कोपेनहेगन। मतलब उनकी राजधानी में, मतलब पीएम मोदी डेनमार्क चले गए थे, जैसा कि आपको पता है कल, मतलब परसों जर्मनी थे, कल डेनमार्क चले गए थे, और उधर पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिए। और सुनने में आया कि बहुत हैवी किस्म का, मतलब पीएम मोदी को उधर वेलकम किया गया। देखते हैं सारी सिचुएशन, तब सही से पता लगेगा और उन्होंने कैसे प्रोटोकॉल को ब्रेक किया। हाँ भाई, तो बिना किसी देर के देखते हैं, काउंट करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। सुना उनका पीएम खुद आई है भाई, मतलब इनको रिसीव करने। हाँ, इससे मतलब इंडिया को पता लगती है कितनी, मतलब तो दोस्तों, वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री अपने सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को बड़ी कड़ाई से फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री से रहा नहीं जाता और सभी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। और आज एक बार फिर से डेनमार्क के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़कर ना सिर्फ डेनमार्क के प्रधानमंत्री की क्लास लगाई, बल्कि सिक्योरिटी ऑफिसर की भी क्लास लगाई जिसने भारतीय कम्युनिटी के साथ ऐसा किया था। क्या है मामला, तो शुरू करते हैं मामले को। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री डेनमार्क के अंदर जाते हैं और वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं जब वो एक अपने प्लेन से नीचे उतर रहे होते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर भारत के प्रधानमंत्री देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है, जरूर भारतीय कम्युनिटी के लोग होंगे क्योंकि ढोल नगाड़े तो भारतीय कम्युनिटी बजाना जानती है। तो उन्होंने एक मुड़कर देखा और फिर ढोल नगाड़े बजाने वाले भारतीय कम्युनिटी के आगे हैंड शेक किया। अब हैंड शेक किया तो ठीक है, फिर वो नीचे आते हैं, लेकिन नीचे आकर भी ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर फिर उनकी तरफ देखते हैं और उनके मन में एक बात खटकती है। फिर उन्होंने हाथ ऐसे हिलाकर उनका अभिनंदन किया और फिर वो नीचे आ रहे थे। नीचे आकर डेनमार्क की प्रधानमंत्री से वो मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर अलग अलग ऑफिशियल जो खड़े होते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, फिर प्रोटोकॉल के चलते उन्हें रेड कार्पेट के ऊपर चलते हुए अपनी गाड़ी के अंदर बैठना था। अब दोस्तों, ये तो था प्रोटोकॉल, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो पीछे मुड़ते हैं और डेनमार्क की प्रधानमंत्री को बुलाते हैं कि इधर आओ। डेनमार्क की प्रधानमंत्री इधर आती है और जो सिक्योरिटी का ऑफिसर होता है या फिर कोई और ऑफिसर होंगे, ये वो आकर भी एक भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, आप डेनमार्क की प्रधानमंत्री को क्यों बुला रहे हो? तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री को देखकर भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चलिए आइए, चलिए जो ढोल नगाड़े बजाने वाली भारतीय कम्युनिटी है उनके पास हम चलते हैं। अब दोस्तों, भारतीय कम्युनिटी के साथ डेनमार्क ने क्या कर रखा था, ये तस्वीरें देखिए। भारतीय कम्युनिटी खड़ी थी जाल के पीछे, भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम कर रही है और उनको आपने एक किस्म से जेल के अंदर बंद कर रखा है। तो ये सब देखकर भारत के प्रधानमंत्री से रहा नहीं गया, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर डेनमार्क के प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो, भारतीय कम्युनिटी के साथ हम बात करते हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मौके पर मना तो नहीं कर सकी, लेकिन जब वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ चलती है तो उसे भी पता था कि भारतीय कम्युनिटी के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, कि उन्हें जाल के पीछे शर्मिंदा महसूस हुई। यही कारण है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री का भी एक जो मुंह था देखने लायक था और जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स थे उनका भी मुंह देखने लायक था। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री के कारण डेनमार्क की जो बेइज्जती हुई वो वाकई होनी भी चाहिए। अब दोस्तों, जाल के पीछे भारतीय कम्युनिटी को खड़ा कर रखा है, तो ये जाल तो कोई सही बात नहीं है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर जानबूझकर डेनमार्क के प्रधानमंत्री को बताया है कि तुमने गलती कर दी भारतीय कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार करके, और ये सीख दे रहा हूँ कि भारत नया भारत है, ये नया भारत आज गुलामों का भारत नहीं है जिसे तुम गुलामों की तरह ट्रीट कर रही हो। और यही कारण है कि भारतीय कम्युनिटी आज किसी की गुलाम नहीं है, और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा टाइम आज भारतीय कम्युनिटी को एयरपोर्ट पर दिया, इतना टाइम तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री को नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री बातें एक शुरू कर लेते हैं ढोल नगाड़े वाले भारतीय कम्युनिटी से और बेचारी डेनमार्क के प्रधानमंत्री पीछे खड़ी हुई देखती रहती है। और जाहिर सी बात है कि
एक बेइज्जती करवाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने ये किया कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भारत की कम्युनिटी के साथ ये किया है, तो अब भारत की कम्युनिटी के साथ भारत का प्रधानमंत्री टाइम दे रहा है और तुम खड़ी देख रही हो। ये वही कुछ था कि भारत के प्रधानमंत्री डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मिलते, हाथ मिलाते और भारत की कम्युनिटी बेचारी दूर खड़ी देखती रहती और ढोल नगाड़े बजाती रहती। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ने उल्टा कर दिया, भारत की कम्युनिटी से भारत के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के ऑफिसर आते हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आप भारत के प्रधानमंत्री से इजाजत मांगिए और यहाँ से चलिए। यही कारण है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री आती है, भारत के प्रधानमंत्री को कहती है कि चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैंने आपका वेलकम कर दिया, मैं जाना चाहता जाइए, तो ठीक है वो चली जाती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भारतीय कम्युनिटी से बातें और शुरू कर देते हैं, ठीक हो ठाक हो अलग अलग बातें करते हैं। अब वो सिक्योरिटी की जो फजीहत है वो भी हो गई, सिक्योरिटी वाले कहते हैं अभी चलिए प्रधानमंत्री जी आपका टाइम बहुत कीमती है, आप हमें और बेइज्जत मत करो, क्योंकि अब ये सारा कुछ हो गया है सिक्योरिटी के कारण ही तो हुआ है। यही कारण है कि सिक्योरिटी का ऑफिसर कहता है कि हमें माफी दीजिए, अब हमारे साथ चलिए, आपका टाइम बहुत कीमती है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इतना समय इंडियन कम्युनिटी दिया और डेनमार्क को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री इंडियन कम्युनिटी के अंदर भी लोकप्रिय हैं और इस कदम से दोस्तों डेनमार्क को संदेश गया है कि भारतीय कम्युनिटी के साथ अगर कल को ऊंच नीच होगी तो भारत का बड़ा लीडर आपको किस तरीके से जवाब देगा, ये देख लीजिए डेनमार्क के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री आज लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हो या दुनिया के बड़े बड़े लीडर हो, आज भारत के प्रधानमंत्री को ही लोकप्रिय लीडर मानते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से साबित किया है और सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उसी की भाषा में जवाब देना, भारत के प्रधानमंत्री ने एक नई मिसाल पैदा की है दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार एक मैं कहता हूँ आज पता लग रहा है कि क्यों इतना क्रेज है लोगों के अंदर मोदी जी का, क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं मोदी जी, जहाँ जाते हैं वो ढोल लेकर मतलब भीड़ की भीड़ जमा हो जाती है उनके वेलकम के लिए, क्यों होती है ये रीजन है यार। मतलब जब वो तुम्हें मतलब दो बार उन्हें देखा कि वो जंगले के पीछे मेरी कम्युनिटी को खड़ा किया हुआ है, उनके पीएम को बस सलाम किया और गए सीधा वहाँ पर। और मैंने पहली दफा देखा और जहाँ भी मोदी जी जाते हैं, हालांकि बहुत बड़ा वेलकम हुआ है मोदी जी का, उनका पीएम खुद आई है मतलब, लेकिन उसको साइड पे किया और वहाँ पर वो बेचारी पीछे खड़ी रही, बेइज्जती उसकी होती रही, वो फिर अगर सलाम कर के निकल गए पांव छूने के लिए जंगले के पास नीचे, वो पांव उसने छुआ इस तरह, मतलब यार मतलब यहाँ से प्रूव होता है कि कितना अपनी कम्युनिटी को पसंद करते हैं मोदी जी, प्यार करते हैं मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये चीज मतलब सबूत देती है इन चीजों की। वो फिर उनका भी दिल कितना बड़ा भाई, वो जो आए होंगे वो भी कहते होंगे आज तो दिन बन गया। जर्मनी में इतने लोगों से मोदी जी ने बात की जितना मेरे ख्याल से किसी रैली में बड़ी रैली हो रहा होते भी उसमें, इतना प्राइम मिनिस्टर को डेनमार्क की मतलब मोदी जी ने टाइम नहीं दिया जितना उनको दे दिया। यार मानना पड़े वो गंजे को मुक्का भी मारा लग रहा है, मजाक से मतलब मजाक से वो करते है ना, लेकिन फिर भी एक शायद अंदर से भड़ास ही निकाली होगी तूने क्यों खड़ा किया यार। बाकी यार देखो ये प्यार है उनके लिए, इसलिए पूरी जनता मोदी जी से पसंद करती है। यार गाइज आप इस मोदी जी के मतलब स्टेप पर क्या कहेंगे, प्लीज आज दिल खोर कर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।